हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आपको स्ट्रेचेस जो आपको आफ्टर वर्कआउट करनी है, और ये आपकी मसल को रिलैक्स करेंगे, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे एंड इंजरी के जो चांसेस हैं मसल एंड लिगामेंट में वो कम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आफ्टर वर्कआउट ईच एंड एवरी मसल रिलैक्स होने चाहिए, उनको अच्छे से स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले या तो आप हेड टू टो स्ट्रेच करें या टो टू हेड, आप ये सीक्वेंस ध्यान रखें। सबसे पहले करेंगे नेक रोल्स, उसके लिए आप बैठे बैठे भी कर सकते हो या स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। चेस्ट अप चिन अप रखते हुए इस तरीके से आपको लंबी सांस लेते हुए साइड टू साइड देखना है, स्ट्रेच करना है एंड होल्ड करना है। 10 टू 30 सेकेंड आप ये टाइम ड्यूरेशन आप होल्ड कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। अदर साइड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। धीरे धीरे आप जो है अपना रेंज बढ़ाएं। रिलैक्स। दो तरीके के स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस होते हैं, पहला है स्टैटिक एंड दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक में आप पोस्चर होल्ड करते हो और डायनामिक में ये मूवमेंट में होता है। मैं जो आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ स्ट्रेचेस के, वो ज्यादातर होल्डिंग है। अब करते हैं शोल्डर रोटेट। आपको इस तरीके से शोल्डर को अपलिफ्ट करना है, उसको पीछे की तरफ ड्रॉप करना है, वापस सामने की तरफ। ये आपको स्लो एंड स्टेडी करना है। ध्यान रहे आप कंप्लीटली अपना चेस्ट ओपन कर रहे हैं, आपके कंधे जो हैं कानों तक लेके जा रहे हैं, वापस उसे पीछे ड्रॉप कर रहे हैं। इस तरीके से आपको करीबन 8 से 10 बार या आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसे परफॉर्म कर सकते हो। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप स्ट्रेच। उसके लिए आप सबसे पहले अपनी राइट हैंड ऊपर ले, उसको इस तरीके से फोल्ड कर ले और आपके गर्दन के पीछे उसको प्लेस करें। दूसरे हाथ से आपको आपकी जो कोहनी है उसे नीचे की तरफ धकेलना है, तब आप फील करोगे कि आपको स्ट्रेच पड़ रहा है। इस तरीके से आपको होल्ड करना है आपके कैपेसिटी के हिसाब से 10 to 30 सेकेंड। उसके बाद वापस आप दूसरे हाथ पे भी परफॉर्म करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। ध्यान रहे आप अपनी गर्दन को इस तरीके से नीचे ड्रॉप नहीं करना है, चेस्ट अप एंड चिन अप रखना है। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस शोल्डर स्ट्रेच। इस तरीके से आप हाथ जो है इस तरीके से साइडवेज रखें आपके शोल्डर लेवल पे और इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करें। होल्ड करें, सांस लेते रहें, सांस छोड़े बिल्कुल भी आपकी जो सांस है उसे नहीं रोकनी है डाउन। उसके बाद दूसरे हाथ पे भी आप इस तरीके से परफॉर्म करें। ध्यान रहे आपका जो हाथ का पोजीशन है उस तरीके से नीचे रखे, ऐसे खींचे नहीं, शोल्डर लेवल मेंटेन करें, उसके बाद आप अपने तरफ खींचे। अब करते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के लिए सबसे पहले आप इस पोजीशन में आ जाए, शोल्डर वे डिस्टेंस में, लेफ्ट लेग आगे निकाले डायगोनली। अब आपको करना है लंबर एरिया से आपको आगे की तरफ झुकना है, मतलब आपको हिप पीछे पुश करते हुए बिना आपके कंधे नीचे झुकाए हुए आपको नीचे जाना है। इस लेवल पे आने के बाद आप अपने टो को होल्ड करें, जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश करें। आपका राइट लेग जो है वो हल्का सा सॉफ्ट रहेगा, उसके घुटने होल्ड करें, वापस धीरे धीरे ऊपर आए और दूसरे पैर पे भी परफॉर्म करें। नेक्स्ट स्ट्रेच है क्वाड्रिसेप स्ट्रेच। उसके लिए आप एक दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हो। इस तरीके से आपको आपका एंकल होल्ड करना है और पीछे की तरफ इसे खींचना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, आपका रेंज बढ़ाएं, हल्का हल्का आप और पीछे खींच सकते हो। स्ट्रेच होने के बाद आप दूसरे पैर पे भी परफॉर्म करें।
बैलेंस बनाएं अपने बॉडी का। अगर आप दीवार का सपोर्ट नहीं ले रहे हो, इस तरीके से आप ज्यादातर आप अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है डीप लंज। उसके लिए आप अपने घुटने के बल आ जाएं, राइट पैर को आप इस तरीके से आगे ले, दूसरा पैर जमीन पे फ्लैट रखें, टो फ्लैट रखें, बैक स्ट्रेट रखें और इस तरीके से आपको ग्रोइन एरिया नीचे तक लेके जाना है। स्ट्रेच को होल्ड करें। कम बैक, वापस लेग चेंज करें, स्ट्रेच करें। आप इसको विद रिपीटेशन भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अब करते हैं चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए आप अपने दोनों घुटनों के बीच में आपके कंधे की जितनी लंबाई है उतना आप डिस्टेंस रख लें। हाथों से चलते हुए आप आगे जाएं, पीठ सीधी रखें, टोस फ्लैट रखें, लंबी सांस लेते हुए आप हिप हील पे टच करें, फोरहेड जमीन पे लगाएं, फिर हाथों से चलते हुए आप आगे और ज्यादा स्ट्रेच करें, होल्ड करें पोजीशन। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। होल्ड करने के बाद आप पोजीशन छोड़ें। नेक्स्ट स्ट्रेचेस है नी हग। नी हग के लिए आप सबसे पहले अपने बैक पर आ जाएं, नी को आप फोल्ड करें और अपने तरफ खींचें, टोज रिलैक्स रखें, जितना हो सके आप अपने पेट पर प्रेशर दें और खींचें अपनी तरफ। ध्यान रहे आपको अपना गर्दन नहीं उठाना है, इस तरीके से लिफ्ट नहीं करना है, उसे रिलैक्स ही रखें। उसके बाद आप स्ट्रेट करें लेग और दूसरे पैर पे भी परफॉर्म करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। स्ट्रेच होने के बाद आप रिलैक्स करें। अब करते हैं लास्ट स्ट्रेच अपने बैक के लिए। उसके लिए हम कोबरा पोज करेंगे। दोनों हाथ जो है आप अपने चेस्ट के साइड में रखें, कंधे के नीचे रखें, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, लंबी सांस लेते हुए आप इस तरीके से बैक आर्च करें। ये बैक मसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको बैक पेन भी है तब भी आप ये स्ट्रेच कर सकते हो। धीरे धीरे आप चेस्ट को नीचे लाएं, 5 से 8 बार आप इसे परफॉर्म करें, 10 से 30 सेकेंड तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। ध्यान रहे आपके जो कोहनी है उसे आप स्ट्रेट ना कीजिए, हल्का सा बेंड ही रखिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें। स्ट्रेच होने के बाद आप रिलैक्स हो जाएं। सो गाइस, ये थे कुछ आसान स्ट्रेचेस एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स। आप बिल्कुल भी स्ट्रेचेस मिस मत कीजिए, कूलिंग डाउन मिस मत कीजिए। ये आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है जब आप नेक्स्ट डे वर्कआउट करते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे फिट एंड बाला चाओ।